अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मटर पनीर। चलिए बनाते हैं मटर पनीर। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, 200 ग्राम लिया मटर। एक पैन में हमने ऑयल ले लिया है, जिसमें हम जीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून और कटा हुआ प्याज। इसे गोल्डन फ्राई होने तक भूनेंगे। प्याज हमारे गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि सब कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम 2 टेबल स्पून लाल मिर्च डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसका मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म करने के लिए हम इसे करीब 2 से 3 मिनट पकाएंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। जब तक कि हम मसाले पकाएंगे तब तक कि इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। अब हम इसे ढक के पकाएंगे। मसाला हमारा पक चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर का पेस्ट। आप चाहे तो दही भी डाल सकते हैं और इसे भुनेंगे 5 मिनट तक। मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर और इसे पकाएंगे जब तक कि मटर पक न जाए। पनीर को हम क्यूब के शेप में काट लेंगे। अब हमारा मटर पक चुका है तो हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जैसे हमें ग्रेवी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप भी कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैंने इसमें डाला है 2 कटी हुई हरी मिर्च और पनीर मसाला ऐड किया है और इसको हम करीब 2 से 3 मिनट पकाएंगे और हरी धनिया के साथ सर्व करेंगे। देखिए हमारा मटर पनीर बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।